व्हाट्स अप गाइस, आज के वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ अमेजिंग रेडस्टोन ट्रैप्स जो कि आपको किसी एसएमपी में बहुत ज्यादा ही काम आएंगे अपने दोस्त को या किसी को भी फंसाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये सभी ट्रैप्स आप अपने सर्वाइवल एसएमपी में बना सकते हो। आपको कभी भी क्रिएटिव चीट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, सबसे पहले तो गाइस आपको अपने दोस्त का घर ढूंढ लेना है। तो ये मेरे दोस्त का घर, लेकिन एक सेकंड। हाँ तो गाइस, ये रहा मेरे दोस्त का घर और अब इसी घर को ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ट्रैप बनाने के लिए चाहिए गाइस आपको ये सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपकरण, जैसे कि सबसे पहले आपको सिर्फ एक कंपैरेटर ले लेना है और थोड़ा सा रेडस्टोन ले लेना है, और आप जितना धमाका करना चाहते हो उतने सारे टीएनटी ले लेने हैं। तो ये रहा गाइस, अब इस घर के अंदर हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। एंड हाँ, ये घर थोड़ा सा आपको चेंज लग सकता है क्योंकि पहले वाला घर खो गया था। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है अपना जो फर्नेस है दोनों वो किस साइड में है। हाँ, ऊपर की छत भी नहीं ढकी है मैंने, कोई बात नहीं। तो ये रहा गाइस फर्नेस। अब हम यहाँ से नीचे कूद जाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे फर्नेस इधर है या लगे हुए नहीं। अब लगाना है गाइस आपको यहाँ पर रेडस्टोन, और गाइस अब यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है कंपैरेटर। अब कंपैरेटर के आगे से आपको गाइस रेडस्टोन इधर से निकाल लेना है। अब लेकर जाना है गाइस आपको रेडस्टोन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड। तो ये आ चुका हूँ गाइस, इतना अंदर काफी है। अब यहाँ पर लगा देंगे हम काफी सारे टीएनटी एंड मेरे ख्याल से इसके ऊपर कारपेट लगा हुआ है, कोई बात नहीं लगा रहने देते हैं। अरे एक काम करते हैं ना, कारपेट के नीचे टीएनटी लगा देते हैं कहीं सर। हाँ ये बढ़िया रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इतने सारे टीएनटी लगा दिए हैं, अब मैं वापस से उसी तरीके से कारपेट लगा देता हूँ उस पर जैसे लगा हुआ था पहले। तो मैंने पूरा का पूरे टीएनटी ढक दिए हैं। अब मुझे पीछे से ये बैकग्राउंड से ये ढकना है, तो मैं ये भी ढक देता हूँ। तो उसको ढकने के लिए बस दो प्लैंक चाहिए हमें, और ये भी ढक दिए गए हैं। तो सर्किट में गए छोटी सी खराबी आ गई, मतलब छोटी सी गलती हो गई मुझे लगाने में। ये जो कंपैरेटर है गाइस आपको ये यहीं लगाना है। तो जल्दी से मैं पहले कंपैरेटर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कंपैरेटर दो ब्लॉक पीछे कर लेना है, इस जगह लगा लेना है कंपैरेटर। अब बन चुका है गाइस आपका सही सर्किट, और इसको रेडस्टोन को भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं वापस से। अब आपका प्लेयर, मतलब आपका दोस्त किसी भी उसमें रखता है फर्नेस में, तो टीएनटी फूट जाएंगे। इस टाइप से आपका दोस्त फट जाएगा। अभी तो गाइस आपका दोस्त क्रिएटिव में था, मतलब मेरा दोस्त क्रिएटिव में था, इस वजह से वो नहीं मरा। मतलब मैं ही था क्रिएटिव में हूँ, मगर फिर भी नहीं मरा मैं क्योंकि मैं क्रिएटिव में था। मगर गाइस इतना धमाका देख सकते हो, अपने नेदरराइट का आर्मर भी नहीं बचा सकता इसे। तो कैसा लगा गाइस आपको ये वाला बिल्ड? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। और गाइस इस बिल्ड को हम और कैसे इनहेंस कर सकते हैं वो भी बताना मत भूलना कमेंट में। अब मिलते हैं किसी और गेम प्ले या ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।